वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं कार्यक्रमों की विकास खंड स्तर पर प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने बेसिक विद्यालयों के कायाकल्प मिशन, प्रेरणा ऐप, मानव संपदा पोर्टल, विद्यालयों के निरीक्षण, सामुदायिक सहभागिता, समेकित शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, मानव संपदा की उपलब्धता तथा वित्त विभाग की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव, राकेश कुमार पांडे, विजय कुमार ओझा सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। के निर्देश थे वो विद्यालयों में जो 20 पोस्टर लग रहे थे 17 रखे जा रहे थे, वो सर उन्होंने अलग अलग क्लास में सर बैठवा दे रहे हैं और सर लगातार बेहतरीन तरीके से सर अच्छी बात। थैंक यू सर। मार्च 1 तारीख से हमारा मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। अभी तक तो हमारे पास बहाना था कि बच्चे नहीं है, जिससे पूरे देश में पहला प्रदेश जो बुनियादी दक्षताओं को हासिल कर चुका है, हमने कर दिया करके साबित करने का एक माहौल बन जाए। मार्च में केंद्रीय अभियान भी लॉन्च हो रहा है और हम में अवसर है कि इसमें अग्रणी प्रदेश के रूप में हम उभर के आ सकते हैं, जो हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला विषय हो सकता है। तो कृपया करके जो सामग्री भेजी गई है, अभी जो मार्च के प्रथम सप्ताह में हमारे भ्रमण होंगे परियोजना की टीम के और शासन की टीम से, उसमें मुझे कहीं पे भी सामग्री ना पहुंचे हुए, उसका ब्लॉकों में सड़े हुए मिला या अवस्थापनों में कमी मिली, सामंजस्य में कमी मिली, टीम वर्क नहीं दिख रहा है, या ये जो क्रूशियल बैठकें, सहयोगात्मक प्रवेक्षण के भ्रमण, निरीक्षण के भ्रमण, ये सब ना होते हुए मिलेंगे तो मुझसे बुरा कुछ नहीं हो। और MIS कोऑर्डिनेटर का GO अभी किया गया है, जिले से उसका चयन होना है। अभी आपको वो MIS कोऑर्डिनेटर मिलेगा तो आपको ये डेटा आधारित सिस्टम चलाने में, टारगेटेड हस्तक्षेप करने में बहुत सुविधा होगी। उसको पूरी अच्छी तरह व्यवस्था कराइए और उसके साथ जो ऑपरेटर बने, अच्छी टीम आपकी बन जाएगी। हमने ये निर्देशित किया है कि ARP और स्पेशलिफिकेटर भी ब्लॉक में बैठेंगे अपने सहयोगात्मक परमिशन के बाद, और आपकी नियमित रूप से डेली और वीकली मॉनिटरिंग आप उनके साथ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के विजिट्स के आधार पर एकेडमिक चीजों के बारे में होगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी जो अन्य कार्य है आपके, उसमें आपको धीरे धीरे हम मुक्ति देते जा रहे हैं। कहीं पे भी सफाई ब्लॉकों में कमी ना रहे, शौचालय, पीने की पानी की व्यवस्था, ऐसा लगना चाहिए कि BO का कार्यालय बहुत प्रोफेशनल कार्यालय है और वहां पे बाबुओं के चक्कर काटते हुए टीचर्स और भीड़ इकट्ठा होते हुए या वहां पे शोषण होता हुए नजर नहीं आना चाहिए। सब कुछ व्यवस्था ऑनलाइन है, मानव संपदा पोर्टल को सफल बनाते हुए संचालित कराना। गाजीपुर में सर आपके जनपद के फीडबैक भी मुझे मिलता रहेगा। कृपया अपने जनपद का कौन नोडल अधिकारी है, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, दोबारा डालूंगा, उसको जान लीजिएगा और मुझसे संपर्क बनाइए। सर जनपद ऐसे हैं जहाँ पे अभी इस महीने शुरू भी नहीं हुआ है, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कासगंज, आपके यहाँ पे 8-8% 20% विजिट हो रही है, कुछ दिक्कत है तो बताइए क्यों नहीं हो रहे ये फिरोजाबाद।